विधाता डाट परिवार द्वारा समर्पित संप्रभुता दरभंगा को लौटाना ही उद्देश्य। कुमार कपिलेश्वर सिंह। आज 14वें गणतंत्र दिवस पर दरभंगा के राजकिला के प्राचीर से दरभंगा के अंतिम महाराज देव राजेश्वर सदस्य महाराजा धीराज सर कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा कि राज परिवार दरभंगा द्वारा राष्ट्र के साथ साथ मिथिला क्षेत्र के योगदान में जिस प्रकार उद्योग से लेकर खेल शैक्षणिक कार्यों के लिए किए गए योगदान है, उन चुनिंदा कार्यों की समीक्षा करना असंभव है, परंतु मेरा उद्देश्य यही है कि कम से कम ओस की बूंद की तरह ही उन कार्यों को कहीं एक नया आयाम दिया जाए। कुमार ने कहा कि इस पावन भूमि पर महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं कई गणमान्य एवं राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे समर्पित महान राजनेताओं का आगमन रहा है। उन लोगों का ठहराव इस परिवार के अधीन ही रहा है और ऐसे पौराणिक अतीत को हम यूं ही नहीं भुला सकते हैं। मेरा उद्देश्य यह है कि कहीं न कहीं ऐसे कार्यों को जो वर्षों पहले हमसे अलग हो गए उनको फिर से जमा पहनाया जाए। दरभंगा के राज किला से उन्होंने झंडा तोलन करने के उपरांत दरभंगा के नागरिकों को यह आशा और उम्मीद दिलाई, फिर से राज परिवार ऐसे कार्यों के लिए दृढ़ संकल्प है और लोगों से अनुरोध कर रहा है कि वह ऐसे महान कार्यों में सहयोग दे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिना समाज के सकारात्मक लोगों के बिना किसी भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जा सकता और न ही समाज में बदलाव आ सकता है। इस अवसर पर शहर के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए, जिसमें डॉक्टर हेमपति झा, अमरकांत झा, रमेश झा, आशुतोष दत्त, प्रियांशु झा, निखिल खेरिया, वैद्यनाथ चौधरी, कमरनाथ सिंह ठाकुर, मीना झा, पप्पू मेहता, संतोष कुमार आदि शिक्षक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज बसंत पंचमी है, ये देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हम सब पूरे देश के लोग जो है इसको बेहतर ढंग से मनाएं और मिथिला वासियों से हमारा विनम्र निवेदन होगा कि हमारे चिकित्सालय से जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। इन साल तो कृपया कारणों से एडमिशन नहीं हो सका, हम समझते हैं कि अगले साल से हमारे छात्र भी कुछ ना कुछ आएंगे और हम लोग बेहतर ढंग से और भी हमारे, हम तो 21 तारीख को जा रहे हैं जनवरी को, लेकिन हमारे जो भी उत्तराधिकारी होंगे हम समझते हैं कि अब ऐसी स्थिति बन गई है कि वो सेवा लोग देते रहेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को भी शुभकामनाएं और हमारे जितने कर्मचारी आए हैं, पदाधिकारी हैं, जो हमारे आसपास के लोग आए हैं, उन सब लोगों को हमारी तरफ। चलिए जन जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता हिंदु गुजरात मराठा धावीर उत्कल भंगा।